गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जा रहे हैं मंदारमनी। हम लोगों का डेस्टिनेशन है वाइसराय होटल मंदारमनी में। अभी हम लोग पीएम बाईपास में है। आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे और होटल का रिव्यू भी देंगे। जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे शेरी पंजाब कोलाघाट। और अभी टाइम हुआ है 6 बजे। हम लोग 5:45 में गाड़ी स्टार्ट किए हैं। लगभग 4-4.5 घंटे लग जाएगा मंदारमनी पहुँचते। अभी हम लोग टूवर्ड्स विद्यासागर सेतु। देखिए, हम लोग विद्यासागर सेतु क्रॉस कर रहे हैं। कीजिएगा क्योंकि अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे शेरी पंजाब में। तब तक के लिए टाटा। दोस्तों, कोलाघाट पहुंच चुके हैं। अप्रोक्स कोलकाता से 2 घंटा 15 मिनट लगा। शेरी पंजाब में रुके हैं, तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं क्योंकि इतना दूर चलने के बाद थोड़ा भी फ्रेश होना था। एक ढाबा कम होटल है। तो दोस्तों, एक बातें आप लोगों को बोलना चाहूंगा क्योंकि मंदारमनी जाने के टाइम में शेरी पंजाब को सिलेक्ट मत करना क्योंकि ये राइट साइड में आता है। जब आप यहाँ से निकलेंगे तब भी 4-5 किलोमीटर मिनिमम चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूटर्न लेके फिर दीघा के रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए दोस्तों बोलेंगे, लेफ्ट साइड में भी बहुत बड़ा बड़ा ढाबा वगैरह है और छोटा बड़ा सभी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। गाइस, पहले चाय का ऑर्डर दिए थे। यहाँ चाय का प्राइस है 35 रुपीज प्लस GST। ये जो एरिया है ये पूरा ही शेरी पंजाब है। ये नॉन एसी सीटिंग और राइट साइड में जो है वो एसी सीटिंग है। और यहाँ जो लगा हुआ है बाहर में खटिया लगा हुआ है, यहाँ बैठ के भी आप खा सकते हैं। यहाँ आपको पार्सल लेना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा क्योंकि नॉन एसी और एसी में जो भीड़ है वो आपको 1.5-2 घंटा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद आपको जगह मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और हम लोग को मंदारमनी तक चलना था तो इसीलिए हम लोग बस ले लिया और यहाँ खटिया में बैठ के खाए हैं। गाइज, हम लोग को धोसा लिए हैं और 2 वेज सैंडविच लिए थे और 1 बटर टोस्ट भी लिए हैं। हमारा टोटल बिल अमाउंट हुआ 572 विद GST। दोस्तों, फूड का क्वालिटी उतना खास नहीं था, प्राइस का हिसाब से सही नहीं था और भी अच्छा होना चाहिए था। दोस्तों, ये है मंदारमनी बीच रोड। हम लोग होटल का बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से 15 से 20 मिनट और लगेगा। गाइज, एट लास्ट आ चुके हैं वाइसराय बीच एंड स्पा रिसोर्ट। ये जो आप देख रहे हो ये वाइसराय बीच एंड स्पा रिसोर्ट एक्सटीरियर है। यहाँ से एंट्रेंस है इन लोगों का।
होटल का रिसेप्शन है। केवाईसी चेकिंग चल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद हमको रूम मिलेगा। बच्चे लोग टाइम पास कर रहे हैं बिलियर्ड खेल के। चलिए दोस्तों, इसी टाइम में आप लोगों को एक्सटीरियर दिखाते हैं। ये G+3 स्टोरेज होटल है, एक ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट है, या मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट है। ये फर्स्ट फ्लोर है, या ये रिसेप्शन का ऊपर वाला फ्लोर है। देखिए यहाँ से कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। इन लोगों का 3 कैटेगरी का रूम है, एक है रॉयल, प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे देंगे होटल का, वहाँ से आप लोगों का रूम टारीफ पता चल जाएगा, क्योंकि इन लोगों का बहुत सारे प्लान है, वो डिटेल वगैरह आप लोगों का वेबसाइट से ही मिल जाएगा। हम लोगों का रूम अलॉट किया गया 2nd फ्लोर में, 320 नंबर रूम, एग्जीक्यूटिव रूम है। हम लोग रूम को बुक किए हैं अमेरिकन प्लान के साथ, इसका मतलब हुआ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर रूम के साथ ही रहेगा। इसका टोटल जो रूम रेट आता है 7,100 पर डे, हम 3 दिन के लिए बुक किए थे। गाइस ये देख रहे हैं रूम इंटीरियर, देखिए एक तो फ्रिज है यहाँ, और रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री देखिए एक तो इलेक्ट्रिक केटली दिया हुआ है, कॉफी टी वगैरह दिया हुआ है, और रूम के साथ 1 लीटर का 500-500 1 लीटर का मिनरल वाटर भी रहता है। ये है टॉयलेट, ये बैल्कनी है होटल का, लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल है, हम नीचे जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। ये लॉन है, यहाँ नाइट में पार्टी होगा, इसीलिए अरेंजमेंट चल रहे हैं। दोस्तों हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम फूड का जो रिव्यू है वो भी देंगे। ये है मैंसफील्ड लॉन, इस तरफ यहाँ स्विमिंग पूल भी है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार, ये भी घूम के आते हैं। नाइट में कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा, उसका अरेंजमेंट चल रहा है। ये रास्ता स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं, आगे जाओ ना। ये स्विमिंग पूल है, देखिए कितना बढ़िया स्विमिंग पूल। ये चेंजिंग रूम है, ये जो बैठने के लिए जगह बना हुआ है बहुत ही बढ़िया है। Thank you.
है चिल्ड्रन पार्क। दोस्तों होटल का जो एरिया है बहुत ही बड़ा है, ये सामने देखिए स्पा रूम है, ये सामने जो है स्पा रूम। होटल का ओवरऑल रिव्यू में 8 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। दोस्तों इन लोगों से मिलिए, होटल का ही डॉग है ये, पेट अलाउड होटल है, आप साथ में पेट को भी ला सकते हैं। देखिए होटल का ही है, रैबिट और चिड़िया भी रखा हुआ है इन लोग। होटल का फूड रिव्यू देखने के लिए दोस्तों जरूर हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है वो भी जरूर देखना, और लाइक शेयर कमेंट भी करना।